और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है नागपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से नागपुर पहुंचे और नागपुर पहुंचकर भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है बीजेपी के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि एयर इंडिया का लोगो महाराज है, एक बिकाऊ को एयर इंडिया को बेचने की जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम भूपेश बघेल ने बिकाऊ कहा है। रायपुर से नागपुर पहुंचे थोड़ी देर पहले सीएम भूपेश बघेल, और भूपेश बघेल ने नागपुर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ब्रीफिंग के साथ जब पत्रकार साथियों के साथ सीएम भूपेश बात कर रहे थे उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। रोजगार के जो अवसर थे उसको खत्म किया, रेल बेच रहे हैं, अब तो प्लेन बेच रहे हैं। अब प्लेन बेचने के लिए किसको दिए? जो एयर इंडिया का प्लेन है उसे बेचने जा रहे हैं, उस मंत्रालय को दिया सिंधिया जी को। अब स्थिति क्या है? एयर इंडिया का लोगो क्या है? महाराजा। तो वो कह रहे हैं कि महाराजा आइए, हम दोनों बिकाऊ हैं, एयरपोर्ट भी और सिंधिया जी भी। तो एक बिकाऊ है, दूसरे संस्था को बेचने की जिम्मेदारी दी गई, तो सब कुछ बेच डालेंगे तो लोगों के पास रोजगार क्या रहेगा? चलिए हम रुक करेंगे हमारे साथ इस खबर पर। दो राजनीतिक मेहमान, प्रवक्ता मेहमान फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम जरूर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सच्चिदानंद उपासने जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सुशील आनंद शुक्ला जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पहली प्रतिक्रिया सुशील जी मैं आप ही से लूंगा। 2018 का वो वक्त याद है मुझे जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी और अगले ही साल देखते देखते यानी 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो सूत्रधार रहा मध्य प्रदेश की सत्ता का जिसने सत्ता ही परिवर्तित कर दी। भूपेश बघेल को ऐसा क्यों लगता है, ऐसा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बिकाऊ जैसा आरोप सिंधिया पर, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि एक चीज जानिए, लोकतंत्र में कभी भी कोई व्यक्ति सत्ता परिवर्तित नहीं करता है, जनता सत्ता परिवर्तित करती है और जनता पार्टियों को उनकी नीतियों के हिसाब से, उनके कार्यक्रमों के हिसाब से वोट देती है। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को जनादेश दिया था। ये ठीक है, कांग्रेस के उस समय चुनाव अभियान समिति के प्रभारी के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ थे, पार्टी के और तमाम नेता थे, पार्टी का हमारा घोषणा पत्र था, उनके आधार पर जनता वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति दी थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनादेश का अपमान किया। उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने केंद्रीय मंत्री पद के लिए वहां की सरकार को बेच दिया। तो स्वाभाविक है कि भूपेश बघेल जी ने जो कहा कि महाराजा बिकाऊ थे और जो, तो कोई गलत बात नहीं की, दरअसल एक परंपरा रही है उनकी, जो उन्होंने किया है वो लीक से हट के कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने जनादेश का अपमान किया है। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को वहां पे सरकार चलाने का जनादेश दिया था, ठीक। उन्होंने क्या किया? उस जनादेश का अपमान किया, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया, ठीक। सच्चिदानंद जी मंत्री बने, आप क्या कहेंगे? सच्चिदानंद जी, भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है नागपुर में, देखिए एक घटिया मनोवृत्ति का बयान है। किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि इस प्रकार का बयान दे रहा है तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का भी अपमान है। और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिस प्रकार से परीक्षा होती है जनादेश का, जनादेश आज जब सिंधिया जी के नेतृत्व में जो दल से लोग अलग हुए, उन्होंने अग्नि परीक्षा और जनादेश में फिर जनता के बीच में जाकर फिर से विश्वास अर्जित किया, इसका मतलब है कि कांग्रेस पूरी तरह से जिस प्रकार से देश में पीट रही है, कांग्रेस का खात्मा होता जा रहा है, कांग्रेस जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पीटी गई, तो ये बौखलाहट है। उस बौखलाहट की परिणति जो है दिख रही है कि भविष्य में छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां निर्माण हो सकती है, उसकी ये पूर्वानुमान जो है भूपेश बघेल जी को है। इसलिए इस प्रकार से खिसियानी बिल्ली खंभन होते हैं, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में मुझे दिख रही है सच्चिदानंद जी, लेकिन आप पंजाब और राजस्थान में जरूर समय समय पर खबरें आती है, वहां पर जरूर पार्टी को ध्यान देना चाहिए केंद्रीय हाईकमान को, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते इस तरह का बड़ा बयान, ये आने वाले वक्त में कितना इम्पैक्ट करेगा ये देखना होगा। मुझे आप दोनों की, प्रवक्ताओं की एक एक प्रतिक्रिया चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इस तरह के बयान देते हुए कोई आरोप लगे हों। कई राजनेता इससे पहले भी ये आरोप लगा चुके हैं बिकाऊ का, लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान तो होगा ही, एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर भी है। पहले भी इस तरह के आरोप सिंधिया पर और सिंधिया समर्थक नेताओं पर, मंत्रियों पर, विधायकों पर कई दफा लग चुके हैं।